उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कोई जिलाध्यक्ष ये नहीं चाहता कि मेरा जो विधायक जीते, कोई जिलाध्यक्ष ये नहीं चाहता कि मेरा मेरे क्षेत्र का विधायक जीते, क्योंकि अगर विधायक जीत गया तो जिलाध्यक्ष की हैसियत कम हो जाएगी, और जिलाध्यक्ष की अगर हैसियत कम हो गई तो विधायक आगे बढ़ जाएगा। और इसी अंदरूनी राजनीति के चलते हुए इन सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के कोर कमेटी को दिग्भ्रमित किया, और जिलाध्यक्ष या जो नीचे के जो विधायक है उन्होंने कोई संगठन पे काम नहीं किया। आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूं, पूर्णतः मैं इस बात से सहमत हूं कि हम अपनी हार को इंजॉय कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनी हार को स्वीकार करते तो हमारा हर नेता धरती पर होता, हमारा हर नेता बूथ कार्यकर्ता से बात करता, सेक्टर कार्यकर्ता से बात करता, लिस्ट बनाता। ये हार पहली थोड़ी है, पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ जब हमारी बूथ कमेटी तक नहीं बनी थी और हमने दोष दूसरों को दिया। हमारे जो नेता हैं, जो जनरेशन जो कम्युनिकेशन गैप वाले हैं, वो अब भी बहन जी तक ये कहते हैं कि हमारा काम पूरा है, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप बूथ की विधानसभा स्तर तक की कमेटियां नहीं बनी। दूसरी बात, जितने नेता बने उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कोई जिलाध्यक्ष ये नहीं चाहता कि मेरा जो विधायक जीते, कोई जिलाध्यक्ष ये नहीं चाहता कि मेरा मेरे क्षेत्र का विधायक जीते, क्योंकि अगर विधायक जीत गया तो जिलाध्यक्ष की हैसियत कम हो जाएगी, और जिलाध्यक्ष की अगर हैसियत कम हो गई तो विधायक आगे बढ़ जाएगा। और इसी अंदरूनी राजनीति के चलते हुए इन सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के कोर कमेटी को दिग्भ्रमित किया, और जिलाध्यक्ष या जो नीचे के जो विधायक हैं उन्होंने कोई संगठन पे काम नहीं किया। ये जो हमारी हार है, हमें स्वीकार करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे संगठन में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, और ये षड्यंत्र जो हुआ कुछ नेताओं की वजह से हुआ जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी जो है जीत के ऐतिहासिक जीत दर्ज करे। और पिछली बार भी इन्होंने गुमराह किया समाज को, इस बार भी गुमराह किया। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने कई स्टिंग चलाए, ऐसे ऐसे नेताओं की स्टिंग चले कि जिन्होंने पैसे लेके सीट बेचने का काम किया, वो नेता भी लास्ट तक पार्टी में बने रहे। क्या काम था उनका? सिर्फ कि उनकी जाति या उनका समाज हमें वोट देगा? अरे पहले हमें अपने समाज की बात करनी होगी, पहले हमें अपने लोगों को जोड़ना होगा, पहले हमें जो अपनी प्रॉब्लम्स है उन्हें दूर करना होगा, उसके बाद में हमें करेंगे। और रही बात, अगर आप डिसीजन ये करते हो कि भाई समाज के अंदर हमें युवा लीडर पैदा करके बसपा को मजबूत करना है, और हार की समीक्षा करके, और मैं अभी भी बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बात सही है कि हमें जो है इस हार को स्वीकार करके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आने होगा, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम राजनीतिक रूप से हमारा इतिहास तक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आपकी बात से सहमत हो सकता हूं, परंतु ये लोग तो वो भी हैं जो आरपीआई खत्म होने पर जिन्होंने जश्न मनाया था। आरपीआई तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पार्टी थी, आरपीआई तो वो पार्टी थी जिसका बाबा साहब ने सपना देखा था। तो अगर ये असली अंबेडकराइट हैं और असली अंबेडकराइट लोग हैं, देखिए ये बात सही है कि समीक्षा मीटिंग उस प्रकार से नहीं हुई जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, और जिन लोगों को नंगा किया जाना चाहिए था वो नंगे नहीं किए गए, जिन दीमकों ने समाज को खोखला किया है उन दीमकों पे पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए था, वो नहीं छिड़का गया, लेकिन समीक्षा मीटिंग हुई है, और हो सकता है कि भविष्य में और भी जो सुधार होने की संभावना है वो सुधार किए जाए। कौन है वो दीमक? दीमक बहुत सारे लोग हैं, वो समाज भी जानता है, और बहुजन समाज पार्टी की कोर कमेटी भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी बहुजन समाज पार्टी को निरंतर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत है, एक ही है? नहीं, बहुत है, हम किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना हित साधने के लिए आए हैं और वो अपना हित साध रहे हैं, और उसमें अगर आप कहो कि एक या किसी दो व्यक्ति से नुकसान हुआ तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर, इतने बुरे हालात होने के बाद भी बीएसपी क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहती, क्यों नहीं सुधार करना चाहती? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बीएसपी आगे बढ़ना नहीं चाहती या सुधार करना नहीं चाहती। बीएसपी के अंदर एक जनरेशन गैप है, बीएसपी के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप क्या है कि जहां तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए वो बात नहीं पहुंच पा रही। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत कम कमियां ऐसी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अगर जो हमारे जो कार्यकर्ताओं की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी बातें हैं, अगर कोर कमेटी या बहन जी तक पहुंच जाए तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी दोबारा से रिवाइव करे। और अगर हम पुराने ही उस दर्रे पे चलते रहे जिसके अंदर हमारी बात ऊपर तक नहीं पहुंची, तो बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है भविष्य में और भी ज्यादा नुकसान हो।
तो क्या इसके जगह विकल्प देखे फिर समाज? नहीं, विकल्प तो कोई नहीं, विकल्प तो बहन जी, विकल्प तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाज के पास कोई भी नहीं है। अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो उसे गला घोट के नहीं मारा जाता, अगर बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसे अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा जाता, और अगर किसी का हाथ काट दिया जाता तो सुसाइड नहीं करता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज इस बीमारी में हम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। हम इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने बाबा साहब का साथ नहीं छोड़ा, हमने साहब काशीराम साहब का साथ नहीं छोड़ा, तो आप कैसे सोच सकते हो कि हमें विकल्प तलाशेंगे? आज हमारे पास पूरे भारत में कोई भी विकल्प नहीं है। रही बात सुधार की, सुधार होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। लोग कह रहे हैं बहन जी परिवार को बचाने में लगे। देखिए आप मिशन से भटक, देखिए जो लोग ये कहते हैं परिवार को आप आकाश आनंद को टारगेट करेंगे, आप आनंद जी को टारगेट करेंगे, परंतु आपको अखिलेश नजर नहीं आएंगे, आपको तेजस्वी नजर नहीं आएंगे, आपको और जो दूसरे जो लोग आपको राहुल गांधी नजर नहीं आएंगे, परंतु दिक्कत ये है कि क्यों क्यों चमारों में नेता पैदा हो रहे हैं, क्यों चमारों में नेता पैदा हो रहे हैं? आकाश आनंद को और आनंद को आप नेता मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूं। मैंने क्या कहा कि क्यों पैदा हो रहे हैं? आप विकल्प की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद में जब बात आती है अखिलेश की, तेजस्वी की और जेटली के लड़के की, तो आप आंखें मूंद लेते हैं। समाज ने अपना लिया ना, नहीं अपना लिया। देखिए उनके समाज को तो पता है उन्हें लीडरशिप क्रिएट करनी है, उनके समाज को तो पता है। जो आज जिसको आप कांग्रेस में सबसे बड़ा राहुल गांधी आप कह रहे हो, आप ये बताइए कि किसने उनको धुतकारा है? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि समाज में कोई भी लीडर, मैं आपको एक बात बता दूं, इस समाज का इतिहास रहा है कि भगवान बुद्ध के बाद, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे पहरिया स्वामी हो, चाहे साहूजी महाराज हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे साहब काशीराम हो, इनकी नेक्स्ट जनरेशन ने कोई भी आंदोलन नहीं किया। जो 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 पैराशूट जो भी हमारे आंदोलन में नेता होंगे, अगर उनमें दम होगा तो टिक जाएंगे, वरना समाज उन्हें दुखा देगा। और समाज अपने लीडर बनाने के लिए आज भी तैयार है, और समाज ने कई लीडर्स पैदा किए और समाज और भी लीडर पैदा करेगा। देखिए मैं इस समाज की एक आपको एक अच्छी बात बता दूं, जो भी सामर्थ्यवान जो भी लीडर है, समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है, समाज ने उसे सहयोग दिया है, समाज ने उसे आगे बढ़ाया है। परंतु जिस जो जो लीडर या जो हमारे ऊपर थोपा हुआ या जो पैराशूट जो कैंडिडेट है, उसको समाज ने धुतकारा है। लेकिन सर जनता ही नेता बनाती है ना, नेता जनता नहीं बनाता ना। नहीं बिल्कुल, देखिए इस समाज के साथ में बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर आप इनकी तुलना कर रहे हैं उस पूंजीपति पार्टियों के साथ कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। हमारे साथ अपनी एक अलग समस्या है, उनके साथ एक अपनी अलग समस्या है। तो जब आप बात करते हो कि समाज की, तो समाज के अंदर जो नेता वही बनेगा जो समाज के अंदर काम। आपको नहीं लगता आप जैसे लोगों ने गलतियों पे पर्दा डाल दे रहे बीएसपी को, और बीएसपी की हालत आज ये हो गई? देखिए बीच बीच में उसको टोका नहीं लगाया नहीं उनको। देखिए जिसको आप कह रहे हो गलतियों पर पर्दा डालना, हम आपको बताना चाहते हैं कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता, जब में उसको जीने में मर जाने में। हम बसपा के साथ जब भी थे, जब बसपा की जीरो सीट थी, और आज भी है जब हमारे पास कुछ नहीं है, ये गलतियां नहीं है। मैं संसाधनों की बात करता हूं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है जितने उन लोगों के पास संसाधन है, और समाज के अंदर बहुत सारे संसाधनों की और आर्थिक रूप से हमें मजबूती की जरूरत है। ये गलतियों पर पर्दा डालना बिल्कुल नहीं है। देखिए जहां तक अब मैंने क्या बात बताई, आपको नहीं लगता आप लोग हार को भी एंजॉय कर रहे हैं? 2012 से लगातार हार मिल रही है। ना ना बिल्कुल, देखिए हार की समीक्षा आपसे मैं उसका एंजॉय पूर्णतः सहमत हूं, पूर्णतः मैं इस बात से सहमत हूं कि हम अपनी हार को इंजॉय कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे।